हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम रसोई फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें हम 1 इंच दालचीनी डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे और 2 इलायची डाल लेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 कटी हुई प्याज डालेंगे, रफली चॉप प्याज भी चलेगी। अब हम इस प्याज को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये 2 चॉप टमेटोज हैं। और अब इन टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून काजू डाल देंगे और काजू को भी 2 मिनट के लिए टमाटर के साथ पका लेंगे। अब हम इसमें से दालचीनी और तेज पत्ता निकाल लेंगे। में 1 टीस्पून बटर लेंगे, बटर थोड़ा मेल्ट हो जाने देंगे। और इसमें जो हमने ग्रेवी तैयार की है वो ग्रेवी इसमें पोर कर देंगे। ग्रेवी को हम 1 से 2 मिनट पकने देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। अगर आपको पानी नहीं डालना है और गाढ़ी रखनी है ग्रेवी तो आप रख सकते हैं, टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए है ग्रेवी की। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हनी। हनी से सारा जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर हमारे टमाटर थोड़े भी खट्टे होंगे तो उससे सारा टेस्ट बैलेंस कर देगा। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि क्रीम से हमारी ग्रेवी का कलर एकदम चेंज हो चुका है। और अब इसमें हम जो हमने वेजिटेबल्स कुक किए थे या ग्रिल किए थे वो डाल देंगे और पनीर भी डाल देंगे। अब हम एक छोटे से पैन में 1 टीस्पून बटर गरम करेंगे। हमारा बटर जब थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो उसमें हम गार्लिक डाल देंगे, ये 4 से 5 क्लोव्स हैं गार्लिक के। लहसुन से पूरा टेस्ट ही आपकी ग्रेवी का चेंज हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी हो जाएगी ये ग्रेवी। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। और अब इस लहसुन को हम ग्रेवी के ऊपर डाल देंगे। अब हम ग्रेवी को अराउंड 2 मिनट्स के लिए पका लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी पनीर लबाबदार वेस्टर्न स्टाइल रेडी है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग होम रसोई फ्लेवर्स। बाय बाय।